प्रैक्टिकल नॉलेज दे रहा हूँ, बट इसको ट्राई मत करना, इट इज बैड फॉर योर बैक। जो मुझे हुआ है ना वो तुम्हें भी हो जाएगा, ठीक है, समझ गए मेरी बात? तो वो हरकतें करना मत। मैंने बचपन में की कर रखी है आदत, पापा स्कूटर चलाते थे, पापा के पास एक स्कूटर था, बड़े मतलब नाजों से उन्होंने उस स्कूटर को रखा था, बहुत बजाज का स्कूटर था, तो मैं तो बच्चा था, अरे अपन को तो फिजिक्स से बचपन से प्यार था, और मैं बहुत छोटा बच्चा था, है ना, ठीक है, मतलब आई माइट बी इन थर्ड और फोर्थ। बहुत मारा था पापा ने उसके बाद, मतलब मारा नहीं, डांटा था। तो फिर क्या हुआ कि मैं स्कूटर से कूद गया। अब मुझे लगा यार स्कूटर से उतरते हैं तो दर्द नहीं होता, बिल्कुल दर्द नहीं होता, मैं इतना गलत कैसे हो सकता है मैं चलते हुए स्कूटर से गिर गया। अब स्कूटर चल रहा होगा 40 पे, अब क्योंकि स्कूटर चल रहा था 40 पे तो मैं प्रोजेक्टाइल की तरह गिरा, तो इसलिए मुझे बैक में लगी थी उस टाइम पे, मुझे लगा कि यार बहुत गलत गिर गया मैं यार। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। मैं यार चलते हुए स्कूटर से लगती है, चलते हुए रिक्शे से जाते हो तो लगती है ना, तुम लोगों ने भी फील किया होगा, चलती हुई चीज से नहीं गिरना चाहिए। और अगर आप किसी जैसे लच्चे ट्रेन चल रही है किसी स्पीड से, तो आप उल्टे उसी स्पीड से चलोगे कि आपकी रिलेटिव अर्थ के रिस्पेक्ट में आप देख रहे हो कि यार ये पेड़ यहीं पर है और अब एंड ऑफ द ट्रेन आ गई है, तो फिर आपको सबसे कम डैमेज होगा। ये मैं आपको बता सकता हूँ, ये आपको सबसे कम डैमेज होगा कि आप बस ट्रेन की हाइट से कूदे हो, आपको सबसे कम डैमेज होगा उस केस में, ठीक है, शायद ही आपकी लाइफ कभी बचा ले, है ना, या समथिंग लाइक दैट। आई होप आपने कुछ अच्छा सीखा, एंड अगर अच्छा सीखा तो डेफिनेटली इस वीडियो को